नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज, आप सबको अच्छा लगेगा। कपड़ा आज बहुत नीक है। तो पहले आप सबको कपड़े दिखाते हैं और क्या क्या है इसमें, तो बताऊंगी लास्ट में। यहाँ पर सारा कपड़ा निकाल लेते हैं, सभी कपड़े को तो कुछ इस तरह पूरा कपड़ा निकाली हूँ। अब की बार कपड़ा अलग और कुछ हटके है। तो ये अंजलि का है, सूट है, और अभी ये भी है अंजलि का, मैं देख लूं। तो ये वाला शीतल का है कुछ इस तरह, गला इसका कुछ इस तरह है, कॉलर वाला है, अभी बैठ नहीं रहा है, धुलने पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला सलवार है, देखिए कुछ इस तरह, और एक सेट ये है, ये गुंजन का है, ये भी गुंजन, हाँ ये भी गुंजन का है, देखिए कुछ इस तरह इसका गला है। और ये वाला है अंजलि का, देखिए ये है, और एक सेट ये है, ये अंजलि का है, और ये शीतल का है फ्रॉक। तो बताना आप सब फ्रॉक कैसा लग रहा है। और ये है गुंजन का, तो ये उल्टा करके रखी है, ये थोड़ा बड़ा है, ये रेडीमेड है दोस्तों इसीलिए। तो यहाँ पर सबका दिखा दी, ये पैजामी है। तो हमारी एक बहन है और दिल्ली से है, तो बोली है ना तो हमारा जगह का नाम लेना है संगीता जी, ना तो मेरा नाम लेना है। तो कुछ पैसे दिए थी बच्चों के कपड़े के लिए, तो चंदन के लिए तो एक दो पैंट ले आई थी, और टी शर्ट हमारी कनाडा की दीदी दी थी, 4-5 टी शर्ट सेट है, तो वही चंदन पहन रहे हैं अब तक। तो चंदन का ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता है, ज़्यादा इन्हीं सबका लगता है। तो ये सब अपना अपना कपड़ा अभी पहनेंगी और आप सबको दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। आज इसी का वीडियो बन रहा है कपड़े का। तो पहले शीतल ये वाला पहनो अपना। तो दोस्तों देखिए, एक एक सेट ये है, लेकिन पैजामी दोनों लोग नहीं पहनी है अपना, ये ऊपर का पहनी है, अंजलि अपना पूरा सेट पहन ली है। तो बताना इसमें से किसका अच्छा है लग रहा है। तो जितने पैसे का इन दोनों का है, उससे कम का है अंजलि का, तो ये रेडीमेड है। पीछे घूम के दिखा दो अंजलि, तो अंजलि का कुछ इस तरह है, देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी टाइप का अगर गुंजन शीतल का मिलता तो इनका भी खरीद देती। तुम भी पीछे घूम के दिखा दो, ये तो पहनी हुई थी, इनका बड़ा है थोड़ा, शीतल का ये वाला है, देखिए कुछ इस तरह है। तो बताना आप सब किसका ड्रेस अच्छा है। अब इसको निकालती हैं तो सूट सलवार पहनेंगी, और बड़े दिनों के बाद, छोटे छोटे थे तब सिली थी सूट सलवार। तो दोस्तों यहाँ पर सूट सलवार है, सबका सिल दी थी कपड़ा लेकर, अब की बार ये वाला सिली, एक बोली थी कपड़ा लेकर सिलवा देना और कुछ दिन चलता है, और एक रेडीमेड खरीदवा देना। तो मैं खरीद दी दोस्तों, और यहाँ पर पीछे घूमो गुंजन, तो देखिए कुछ इस तरह, अभी सिल के लाई, सिलवा के लाई, धुली भी नहीं, अंदर भी नाच रही है। तो यहाँ पर शीतल का कुछ इस तरह है, और अंजलि का कुछ इस तरह। अंजलि आगे जाकर दिखा दो, इनका वाला कुछ अलग है, इनका सूती कपड़ा है, ये टैरी काट वाला है, जो बच्चे ड्रेस स्कूल पहन के जाते हैं। तो बताना इनमें तीनों में किसका सूट कलर अच्छा लग रहा है। तो आज कमेंट शीतल गुंजन पढ़ेंगी, बोल रही थी क्योंकि इन सबका
कहती है वो हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। गुंजन शीतल में ज्यादा होता है कपड़े के लेकर, और अंजलि का तो छोटा रहता है, कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई कह नहीं सकता कि ये हमारा है क्योंकि ये छोटी है। तो ऊपर कर मुंह, तो यहाँ पर कपड़ा चलते हैं, रखते हैं, और ये सब आज पहनोगी यही अंजलि? हाँ। आज यही पहनोगी? तो बोल नहीं है आज पहनने दो, मम्मी सब लोग कह रही है पहनने दो। अंजलि पहनना है आज? हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर कपड़ा सब रख देते हैं फोल्ड करके, यही था आप सबको दिखाने के लिए। तो दिखाई हमारी दिल्ली की जो दीदी हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, माता रानी उनको हमेशा खुश रखें। और जितने भाई बहन हमारा पहले से मदद कर रहे हैं, किए हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद। माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखे, जहाँ भी रहो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। बस मेरे लिए भी दुआ करना दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे 7:30 ही लग जाता है, ग्रहण लग जाता है जीवन में। और एक बात मैं आप सबसे बताऊं, मैं ऐसा 2-3 दिन बहुत खुश रहूंगी, जब सब दुखों से निकल के बहुत खुशी हंसी से रहूंगी, अचानक बहुत अंदर प्रशंसा होगा, आत्मा में खुशी होगी। लेकिन अचानक ऐसा बात सुनने को मिल जाएगा, सारा खुशियां मौतम में बदल जाती है, ऐसा होता हमारे साथ। तो सब लोग चारपाई पे चले आए और बाल सबका गीला था, सूख गया, अभी सरसों का तेल सब लोग लगाए। यहाँ पर बाल बांध रही हूँ, आज मेरे घर सब्जी नहीं है और ये कपड़ा पाए हुए आज 3 दिन हो गया। तो आज जा रही हूँ चौराहे पे सब्जी लेने, यहाँ पर बाल बांध लेती हूँ। थोड़ा सा लोकेशन आगे का आप सबको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। हाथ जोड़कर निवेदन है, अंजलि यहाँ पर अपना चेहरा देख रही है, तो कांटा लगा ली है बिना बाल के। तो अब यहाँ से हम चलते हैं। तो दोस्तों चौराहे पे जा रही हूँ, सबको नहलाई, देखिए यहाँ पर इतना सारा कपड़ा धुल के फैला दी हूँ। कल कुछ स्वेटर रखी हूँ, कुछ स्वेटर बाकी है रखने के लिए, तो घर पे सब लोग रहना ठीक। झोला टांगी हूँ, ले चलते हैं, झोला बनाई थी, हमारा बड़ा काम का हो गया। अब चलते हैं आलू खरीदते हैं, आलू हमारे यहाँ 20 रुपया किलो हो गया, बड़ा मुश्किल का बात है, महंगा हो गया दोस्तों, नहीं तो 10 रुपया किलो आलू था अभी 15 दिन पहले। तो चंदन के साथ में चौराहे पे जा रही हूँ, यहाँ पर बैठाए हुए हैं साइकिल पे, और इसी रास्ते से हम सब आए हुए हैं। और तो इसी रास्ते से हम सबको जाना है, थोड़ी दूर पे चौराहा आ भी गया, देखिए यहाँ खलिहान गांव कुछ इस तरह है, तो चौराहा सामने दिख रहा है। तो अभी आप सबको दिखाई, यहाँ भैया की दुकान पे आई थी, गाजर ले ली हूँ देखिए, और बाकी झोले में सामान रखा है, सामान खरीद चुकी हूँ। तो सामान खरीद चुके हैं, अब चलते हैं चौराहे से, देखिए उल्टा दिशा आ रहा है, मार्केट से निकल रहे हैं। दोस्तों हम चौराहे से लौट आए हैं और यहाँ पर सारा सामान रखते हैं, और आलू बताई थी रेट आप सबको। तो हमारे यहाँ का सिस्टम यही है, हर सामान पॉलीथीन में ही देते हैं, झोला ले जाओ तब भी कहते हैं झोले में कौन तराजू बार फंसाएगा, तौलो तुरंत दो। तो यहाँ आलू मैं 5 किलो ले ली हूँ, 80 रुपये का ये आलू है, कभी कोई सब्जी ना रहे तो आलू का ही बन जाता है। तो यहाँ पर गाजर ले ली हूँ, गाजर इसी में रख देंगे। चंदन बोले मम्मी गाजर ले लो, ये 10 रुपये का गाजर है। 1 किलो मटर ले ली, तो इतना जितना पॉलीथीन था सब बांध ली हूँ, और अंजलि हमारी टिफिन ले जाती है, ये काम आ जाएगा, ले जाओ वहाँ पर रख दो अंदर। और अंजलि के खाने के लिए गुंजन का कुछ नहीं मिला, पैसा ही नहीं बचा है ना अंजलि, अंजलि का मन उदास हो गया। तो इतना सारा चीज लाई हूँ, गाजर खा सकते हैं, तो ले चलते हैं, रखते हैं सामान। तो वहाँ सब सामान रख ली थी, यहाँ अंदर आकर सामान सही से सब सब्जी सेट कर देती है।
टोकरी में आलू रख दी, यहाँ नीचे वाले में अदरक मिर्ची रख दी और धनिया। तो इतना सारा सामान खरीदारी की। और तो एक बहन हमारी कल वाले वीडियो में सुझाव दी है, संगीता आप रिफाइंड तेल का बनाया हुआ खाना मत खाइए, आपको प्रॉब्लम है। तो सच बात है, मैं रिफाइंड का बनाया हुआ बिल्कुल नहीं खाती। जो मैं चाट बनाई थी आप सब देखना, सरसों का तेल था, और बाकी जो फुल्की पानी पूरी बनाई थी वो रिफाइन का तेल था। तो सरसों का तेल बहुत महंगा है, रिफाइन का बच्चे सब खाए थे और वो चलते हैं इधर उधर दौड़ भाग करते हैं, तो उनको इतना परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और थंबनेल में पैसा नहीं लगाई दोस्तों, हमारी कई बहनें बोलती हैं पैसा मत दिखाया करो संगीता, तो पैसा दिखाने लायक क्या पैसा बचा ही नहीं मेरे पास। जो था कपड़ा ले आई और पैसा मिला था तो थंबनेल में लगा दी हूँ, किसी भाई बहन को इतराज़ नहीं होना चाहिए। और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना, इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना। माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखें, हमारी दिल्ली की दीदी जो हैं उनको भी माता रानी हमेशा खुश रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।